बिहार के नवादा जिला के कृष्णा नगर में दबंगों ने मांझी टोला में लगभग 80 घरों को जलाकर खाक कर दिया। इस घटना को लेकर नवादा सांसद और झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने भी बयान दिया। दोनों ने क्या कुछ कहा इसको सुनाएंगे, उनसे पहले जानते हैं इस घटना के बारे में कैसे घटी इतनी बड़ी घटना। कल तक जहां जिंदगी गुलजार थी वहां वीरानी छाई हुई है, चारों तरफ चित्कार ही चित्कार मची है। जले घर, जले अनाज की बोरियों से निकल रहा धुआं, जले बर्तन और कपड़े, यहां हुई तबाही की कहानी कह रहे हैं। इस घटना के बाद नवादा सांसद का बयान सामने आया। दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि यह काफी निंदनीय घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। पीड़ित परिवार के साथ पूरा जिला प्रशासन और सरकार खड़ी है। आगे उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए लालू परिवार पर ही हमला बोल दिया और कहा कि लालू परिवार इस विषय पर ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि जिस तरह से जंगल राज बिहार में कायम था आज भी उसे बिहार नहीं उभर पाया है। वहीं नवादा में इस घटना के बाद लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए राहत सामग्री, खाद्यान्न सामग्री के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था की गई है। चारों तरफ से पुलिस सुरक्षा में सभी परिवारों को रखा गया है। इस पर मंत्री इरफान ने कहा कि बिहार में किसकी सरकार है, भाजपा की सरकार में दलित, महादलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को हमेशा परेशान किया गया और बिहार के नवादा में वही किया गया है। हम झारखंड के मुख्यमंत्री से बात कर मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। ये घटना जो है दिदौर गांव में जो फसल थाना के अंतर्गत आता है, नगर नदी के पास लगभग 7-8 बजे के आसपास की घटना, और उधर घटनास्थल से ही मुझे सूचना मिली है, जैसे दिल्ली में था तो हमने SP से भी बात की और तुरंत प्रशासन वहाँ पे SIT का गठन करके वहाँ पहुँचा है। जो हुआ वो दुखद है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन प्रशासन SIT गठन करके क्विक रिस्पॉन्स में रातों रात जितने उसमें अभियुक्त थे 10 को रात में और सुबह 5 को कुल अभी तक 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर चुका है और सभी पीड़ितों को जो राहत सामग्री के साथ साथ उनके भोजन की चिंता सब कुछ प्रशासन जो है अपने जिम्मे कल से ही लिए हुए हैं। वहाँ पुलिस कैंप है हवा है। और ये मामला जमीन का एक विवाद है बहुत दिन से और ये टाइटल सूट भी चल रहा है। केस नंबर है 22/1995 का नवादा कोर्ट में और उसी में क्लेम काउंटर क्लेम का ये चक्कर है। पहले भी विवाद एक दो बार हो चुका है लेकिन अब टाइटल सूट है, जब तक कोर्ट से इसका ये नहीं हो जाता है किसके पक्ष में है। घटना के बाद तेजस्वी यादव आक्रामक हो गए हैं, लगातार लगा रहे हैं कि जंगल राज हो गया, कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था पे अब लालू यादव और तेजस्वी यादव बोलने लगे तब तो हास्यास्पद है। बिहार अभी भी नहीं उभर पा रहा है उस कालखंड से कि जितना 50 साल और 100 साल पीछे वो परिवार बैठ के बिहार को करते हैं। आगे का क्या स्टैंड रहेगा सर इस तरह के मामले? इस पे तो जो कार्रवाई हो रही है प्रशासन की वो एकदम कड़ी कार्रवाई हो रही है और ये किसी हालत में आज के युग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लालू यादव के समय में होता था, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि सारे लोग जो साइट पे थे वही गिरफ्तार हुए और कुछ दिन जारी भी है। कुछ जो हथियारबंद थे उनका हथियार भी बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल भी बरामद हुए। तो दोनों प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी और सामान्य प्रशासन एकदम तत्परता से काम कर रहे हैं। अभी आप सर जा रहे नवादा मिलने परिवार से? अब तो कल साइट से ही टच में हैं लगातार, सबसे जो पीड़ित हैं वो भी हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हुए हैं, सब लोग वहाँ पर पहुँचे हुए। और SP को तो मैंने उसी समय विस्तृत बात करके तो वो रात भर रेड चला, खुद SP भी वहाँ कैंप किए हैं, DM भी वहाँ कैंप किए हैं, फायर ब्रिगेड 3 जिला से आया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रशासन जो चौतरफा जो है काम कर। उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है सर जिसका घर जल गया है? वो लोग अभी तो बोल रहे हैं कि लोग
को कल से ही प्रशासन अपने जिम्मे सब कुछ ले लिया है, सारा इनको राहत सामग्री मिल रहा है, भोजन का व्यवस्था रात से ही आरंभ हो चुका है, कल उन लोग को एक सामुदायिक भवन में उन लोग को शिफ्ट करके रखा गया है। बिहार में दलित कहाँ से शिफ्ट होगा? जानकारी मिला है, सूचना मिला है, मैं अगर ऐसी बात है झारखंड राज्य के मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री से मिलकर बात करूंगा और दलित परिवार को पैकेज दिलाने का काम। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।